आज हम बनाने वाले हैं बैंगन आलू की सब्जी। बैंगन आलू टमाटर की सब्जी बनाने वाले हैं देसी तरीके से। हम बनाएंगे इसको मिट्टी के बर्तन में, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं आलू बैंगन की सब्जी। तो चलिए अपनी बैंगन को हम कट कर लेते हैं। मैंने 250 ग्राम बैंगन लिए हैं, आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं 3 लोगों के लिए बना रही हूँ सब्जी, तो इसलिए मैंने ले लिए। देखिए बैंगन मेरे बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत ताज़े हैं, अच्छे वाले हैं। देखिए इस तरह से हम इनको कट कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा सॉफ्ट बैंगन निकला है मेरा। चलिए इनको बना लेते हैं। देखिए तो ये सारी चीज़ें मैंने कट करके ले ली है। मैंने बैंगन भी पूरी कट कर लिए, आलू कट कर लिए, ये हरी मिर्ची है, ये है प्याज, ये टमाटर हमारा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मिट्टी का बर्तन अपना रख दिया है, अब हम इसमें डाल देते हैं अपना तेल। देखिए इस तरह से मैं डाल दिया है। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम देखिए इस तरह से डाल दिया है मिट्टी के बर्तन में, थोड़ा कम झाग आता है। देखिए अब हम डाल देते हैं अपनी प्याज। तो देखिए प्याज मेरी लगभग हो चुकी है। इसमें मैंने ये मेरी स्ट्रॉन्ग वाली हींग है, तो मैंने इस तरह से ले ली है। आप ज़्यादा कम डाल सकते हैं, मेरी स्ट्रॉन्ग वाली है तो कम ली है। इस तरह मैं हींग को भी अपनी मिक्स करके चला देती हूँ इसमें। अब हम डालेंगे अपने आलू और बैंगन। देखिए ये मेरे आलू बैंगन है, और मैं अपनी हरी मिर्ची भी कट करके डाल देती हूँ इस तरह से। और अपने पहले अपने बैंगन में बैगेंगे, ये आलू में बैगेंगे, क्योंकि आलू थोड़े हार्ड रहते हैं, बैंगन हमारे बहुत सॉफ्ट रहते हैं, तो वो जल्दी सूख जाते हैं। इस तरह से चलाते हैं बढ़िया से। तो देखिए आलू मेरी लगभग भुनने ही वाले हैं, तो इसमें हम अपने बैंगन डाल देते हैं। देखिए इस तरह से हम इस सब्जी के साथ बनाएंगे अपनी पूरियाँ। इससे पूरी बहुत अच्छी लगती है, चलिए इससे पहले सब्जी बनाते हैं, बनाएंगे बाद में पूरियाँ। तो देखिए बैंगन मेरे भुन चुके हैं, तो इसमें हम डाल देते हैं अपने कुछ ही थोड़े सूखे मसाले, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर। देखिए इस तरह से डाल देते हैं, इसको हम मिक्स कर देते हैं बढ़िया से। देखिए इस तरह से मिक्स कर देते हैं, 5 मिनट इसको भुनेंगे। इसके बाद हम उसमें डालेंगे टमाटर। ये तो देखिए मेरे मसाला मेरा भुन चुका है, तो इसमें हम डाल देते हैं अपने टमाटर कटे हुए। देखिए इस तरह से टमाटर के ऊपर हम डालेंगे नमक, क्योंकि इससे अच्छे से टमाटर गल जाता है। देखिए इस तरह से मतलब स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से, सिर्फ 5 से 10 मिनट पकने देंगे। ये मेरे टमाटर भी गल चुके, तो इसमें हम डाल देते हैं 1 कटोरी पानी। आप अपने हिसाब से देख लेना आपको कितना पतला कितना गाढ़ा करना है। देखिए इस तरह से मैंने डाल दिया है, जैसे पूरी के साथ खाना है तो हम इसमें हिसाब का पानी रखेंगे। तो देखिए लगभग हमारी सब्जी बन चुकी है, इसमें हम डाल देते हैं अपनी धनिया पत्ती। देखिए इस तरह से पानी कर देते हैं। चलिए साथ में सेक देते पूरी, फिर आपको दिखाएंगे पानी। तो चलिए सब्जी हमारी बन चुकी है, आटे को हम ले लेते हैं। ये आटा मैंने पहले से गूंथ कर रखा था, इसको हम सही कर लेते हैं। चलिए इसकी बनाते हैं पूरियाँ। चलिए इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेते हैं, ये आटा हमारा लग चुका है। तो चलिए इसके हम छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ लेते हैं इस तरह के। नींबू के आकार आप चाहें तो जिस आकार के बना सकते हैं, मैं अपनी स्टाइल की बना रही हूँ। देखिए इस तरह से। तो देखिए ये मैं सारी लोइयाँ तोड़ ली हैं। अब चलिए इनको बेलना स्टार्ट करते हैं, कढ़ाई में सेक लेते हैं। चलिए अपनी पूरियाँ बेल लेते हैं। देखिए इस तरह से हम सारी पूरियों को बेल लेंगे। इस तरह से मेरी पूरी एक बेल चुकी है। तो देखिए मैंने सारी पूरियाँ बेल ली हैं, जो उनको चलते हैं तलने के लिए कम हो चुका है। चलिए इसमें अपनी पूरियों को तल लेते हैं। एक पूरी डालती है, एक एक करके सेकेंगे हम, क्योंकि ऑयल मैंने ज़्यादा ख़राब नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल ख़राब हो जाता है, फ्रेश ऑयल ही। इस तरह से हम अपनी सारी पूरी को सेक लेंगे। देखिए इतनी फूली फूली गई मेरी पूरी, एक बन के तैयार हो चुकी है। चलिए हम और भी अपनी सेक लेते हैं इस तरह से। ये मेरी दूसरी पूरी भी सेक चुकी है, हम और पूरियाँ अपनी तल लेते हैं। इस तरह से सारी पूरी तल लेंगे। देखिए इस तरह से आप चाहें तो दो भी डाल सकते हैं, दो डाल देंगे इस तरह से। बढ़िया से हम इसको सेक लेते हैं। देखिए पूरियाँ मेरी सिक चुकी हैं। चलिए तो हम पापड़ तला लेते हैं। ये मेरे घर का बना हुआ पापड़ है मूंग का। देखिए इस तरह से हम इसको भी तल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, कितने अच्छे से तल रहा है। इसका पैकेट आता है इसका, ठीक है। अपना दूसरा भी पापड़ तल लेते हैं। हम लोग 3 जन हैं, तो 3 पापड़ तलेंगे, क्योंकि पापा यहाँ पर है नहीं। चलिए इस तरह से हम तल लेते हैं। तो देखिए आज की थाली मेरी बन के तैयार है। ये मेरी बहुत ही यम्मी सब्जी मिट्टी के बर्तन में, और ये मेरी साथ में ये मेरे बूंदी का लड्डू लिया है, और ये मेरी पूरियाँ हैं, ये पापड़ है। देखिए इस तरह से बनके तैयार है। अगर मेरी वीडियो किसी भी तरह आपको अच्छी लगती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।